सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक, आपका कैट एग्जामिनेशन जो होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए क्वांट जो आपका है, ठीक है, उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, सॉरी जो भी टॉपिक हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, हम वो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शनल्स की वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं आज से हम परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज, तो फर्स्टली ये देखते हैं कि जो वर्ड है परसेंटेज, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। सो द वर्ड परसेंट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, विच वर्ड्स, एक आपका हो गया पर और एक हो गया सेंट, ठीक है। तो परसेंट, सो यहाँ पर हम देखिए जो पर है, पर का मीन होता है मीन्स, ठीक है। पर यानी आपका है मीन्स, एंड यहाँ पर मीन्स ईच, एंड ईच मीन्स का मतलब है ईच, ठीक है। एंड यहाँ पर आप सेंट की बात की जाए, ठीक है, तो जो सेंट है उसका मीन्स होता है हंड्रेड, ठीक है। हंड्रेड इसका मतलब ईच हंड्रेड, ठीक है, परसेंटेज। सो दस परसेंटेज मीन ऑन ईच हंड्रेड और फॉर ईच हंड्रेड और इन ईच हंड्रेड, ओके। सो यहाँ पर जो सिंबल यूज होता है, ठीक है, तो जो सिंबल होता है इसका वो क्या होता है, ये, ठीक है, परसेंटेज। तो ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर अब स्टार्टिंग करते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने लिखा है 80%, ठीक है। 80% कैसा, ये हो गया, इसको इस तरह से लिखेंगे 80%, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 80/100, ठीक है, बेसिक है ये। सो 80 या फिर 80/100%। सो स्टार्टिंग करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हम कुछ बेसिक तैयार कर लेते हैं, बेसिक मतलब एकदम इजी। अगर आपको क्वेश्चंस में इस तरह से इनका परसेंट निकालना आता तो आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला यहाँ पर आपको आता है 1/3, ठीक है। अभी यहाँ पर 1/3 है तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, सो किस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं इसका, इसका निकालेंगे आप 1/3 इंटू 100%, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखें, या फिर सिंपल यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100/3%, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 33/1/3 योग्य आपका परसेंटेज में। चलिए 1/5 का देखते हैं, अगर आपको 1/5 का करने आता है तो देखिए हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इस तरह से लिखिए दो नंबर, 100/ ऊपर लिख लेते हैं और एक नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको करें। सो यहाँ पर देखिए आप 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जो होगा 100, तो आप इसको लिख सकते हैं 20%। और यदि हम चाहें कि हमने ये सही निकाला तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए 20/100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 5 जाए, हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो 1/5 का होगा आपका 20%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 4/5, तो 4/5 का आपका जो होगा वो होगा 80%, ठीक है। अब 80% कैसे होगा, हाउ, तो यही आपको करना है 4/5 मल्टीप्लाई 100/100, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको किया, अभी अब इसको कर सकते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, 5 2 जा और 2 4 जा कितना हो जाएगा 80/100 का जो मीन्स होता है, ठीक है, वो 80% ही होता है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट चलिए 7/9, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं 7/9 को आप लिख सकते हैं 77/7/9%, ओके। नेक्स्ट 2/5 को आप लिखेंगे 40%, ओके। नेक्स्ट 1/8 को आप लिखेंगे 12.5%, ठीक है। यहीं पे हम बाजू में और देख लेते हैं, और भी 3/20, ठीक है, 3/20 का परसेंटेज जो होगा वो होगा 15%। नेक्स्ट हम देखें 18/25, सो 18/25 को आप लिख सकते हैं 72%, 3/10 का आप लिख सकते हैं 30%, ओके। इस तरह से आप निकाल सकते हैं सारा, मतलब ये आप इतना तो आप याद के रखिए कि इस तरह से नंबर आते हैं तो हम कैसे कर, 6/1/2 इसका क्या होगा, इसका आप लिख सकते हैं 16/50%, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंट निकालेंगे किसी भी नंबर का आता है, ठीक है। आपको जैसे आ गया 4/3,
तो आपको बस ऐसे ऐसे ये जो 100 है वो हम इसको स्क्वेयर कर लेते हैं, क्योंकि 1/100 का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, परसेंटेज ही होता है। ठीक है, तो ये हमने अपने पास रख लिया, तो हमारे पास सिर्फ ये होल बचता है नंबर, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 400/3, और हमारा जो 100 है हमने इसको सेपरेट रखा बिकॉज इट्स परसेंटेज। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 1 3 3 3 9 3 3 9 फिर 3 3 9। ठीक है, तो समथिंग इतना आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ, ये कह सकते हैं बेसिक, या 4/5 आता है, 7/9 है, 2/5, तो डायरेक्ट आप इन्हें याद करके लिख सकते हैं। अभी इसका जस्ट सपोज आता है कि आपको इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन, अब कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन में आपको करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर देखते हैं आपको दिया 4%, अब इसको चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में, तो हाउ। ठीक है, तो सिंपली 4% का मतलब होता है 100, सो 2 2 जो 4, 2 5 जो 10, फिर 2 1 जो 2, 2 25 जा, तो फ्रैक्शन आ गया 1/25। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको 20%, ठीक है, चेंज इनटू फ्रैक्शन, सो 80/100, सो 8/10 आपको मिल जाएगा यहाँ से कैंसिल करने पर। देन आप इसको लिख सकते हैं 2 4 जा एंड 2 5 जा, 4/5। ठीक है, आप इसे चाहें तो डिवाइड में भी कर सकते हैं, 0.858 जा 40। ठीक है, बट हमारे पास अभी आंसर कि हमें फ्रैक्शन में ही निकालना है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, तो सबसे पहले आप इसको छोटा करेंगे, 8 3 जो 24 है, 25 25/3, और परसेंटेज है आप इसको लिखें 25/3 × 100, 25 बन जाए 25, और 25 4 जो 100। ठीक है, यहाँ पर 3 है आपका, तो हो जाएगा 1/12 आंसर। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी इस बेस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं, 50% ऑफ रुपीज 980। ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो ऑफ होता है ये आप इसको ले सकते हैं, या फिर इसका मीनिंग यही होता है कि प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई। ठीक, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एक ही मीन होता है, तो आप इसको अब इस तरह से लिखेंगे कि आपको दिया हुआ है 15% × 980 रुपीज। ओके, ये आपके पास इस तरह से दिया हुआ है। अभी क्या कर सकते हैं आप, 15% को आप पहले तो छोटा करके लिखना है आपको। ठीक है, 980, अब यहाँ से आप कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ से आप 15 3 5 3 जा 15 5 2 जा, फिर इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2 2 4 जा 2 9 जा 18, सो आपके पास है 3 × 49। ठीक है, तो 3 × 49 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 147 रुपीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से मिलता हुआ। चलिए, तो ये आंसर है, सबसे पहले इसको सॉरी आंसर नहीं सॉल्यूशन है, 12 2 जा, ये हो जाएगा आपका 25/2%, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 50 kg। सो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको वही हमें छोटा फॉर्म में लिख देना, परसेंटेज को अलग कर लेते हैं और 50 अलग, सो 25/2 × 100 है और 50 kg है। चलिए, अब इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 25 1 जा 25 4 जा। ठीक है, और इसको आप कर सकते हैं 2 से 2 1 जा, सो यहाँ पर 25/4, आप इसको लिख सकते हैं 6/1/4, दिस इज आंसर। सो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।